हर साल सिलेंडर है ही नहीं है, भरा ले लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से भरा ले, लकड़ी से बनाए रहे। अच्छा, तू ससोई तोई से बनाए रहे और क्या करे। अच्छा अच्छा, महंगी महंगी महंगी, मतलब पहले दे था 500 रुपया हम सिलेंडर, अब भरा 11 से घंटे लिया हमें। अच्छा, तो अभी लोगों में नाराजगी है ये सारी? नाराजगी सिर्फ नाराजगी दे रही सर सरकार के प्रति। हाँ, सरकार की तरफ चेंज हो सका। अरे माहौल माहौल क्या करें, चेंज बाबा फेंक दे तो क्या कर सकते। पिछली बार कांग्रेस, अरे कांग्रेस ही बन गई, बीजेपी की वापसी नहीं, कांग्रेस फिर वापसी करेगी। कांग्रेस? हाँ जी। अच्छा, अभी वही तो आप कह रहे हो। हाँ, माहौल कांग्रेस का ठीक है, पर ये है कि सिंधिया ने जाके वो सरकार गिरा दी थी, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन ही चुकी थी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह यादव। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम पैसा फौज से रिटायर हैं। अच्छा, रिटायर्ड फौजी। हाँ, और क्या, अभी अपनी किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, तो रिटायर हुए कितना टाइम हो गया आपको? हमको 30 साल हो गई। 30 साल? हाँ। अच्छा, तो अभी जैसे हम लोग सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, तो किसानों का भी क्या माहौल है, किसानों में कैसी राय बन रही है जो चुनाव को लेकर? हमारी तरफ से बढ़िया है। हाँ। और शिवराज सिंह मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री। हाँ। और बहुत बढ़िया हमारा जो विधायक जी हैं अरविंद सिंह भदौरिया मंत्री। हाँ। तो उनका काम बहुत अच्छा है। अच्छा, तो कई लोग नाराज हैं, कई किसान नाराज हैं कि फसल और बहुत सस्ती भी की है, महंगाई बहुत है इस चीज़ से। नहीं, वो ठीक है भाई, क्या होते बाजरा क्या होते 700 रुपया कुंटल बिकता था। हाँ। आज बाजरा 2000 रुपया कुंटल बिक रहा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो भाई क्या होते सरसों बता रहे 8000 बिक रही है, 4000 बिक रही है, ये तो कभी कभी की बात है। ये तो भाई कहीं सरसों बाहर जा रही होगी तो भाई हिसाब से मतलब। अच्छा, महंगी हो गई। और आज क्या होते मतलब लगभग 5000 लगभग है। अच्छा अच्छा, तो 5000 की सरसों अगर बिक जाती है तो मतलब ठीक है। अच्छा अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जैसे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें शिवराज जी के समर्थन में लोग रहेंगे? हाँ, रहेंगे। अच्छा, आप तो रिटायर्ड हैं, आपकी पेंशन भी आ रही होगी इसलिए आपको आराम है, लेकिन जो रियल जो किसानी से जिसका खर्च चल रहा है उसे तो दिक्कत है? नहीं नहीं दिक्कत है। अच्छा, नहीं दिक्कत। हाँ, शिवराज सिंह कई योजनाएं चल रही हैं। हाँ, हाँ। अभी एक हज़ार रुपया महिलाओं को दे दिया है। हाँ, हाँ। उन्होंने और कई एक योजनाएं हैं आपके घर पे मिल रहे, लाडली बहन योजना की जरूरत है। हाँ। अच्छा, हाँ, पैसा भी आ गया खाते में। अच्छा अच्छा, हाँ। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे दोनों क्या बोलते हैं, या संत विवेकानंद स्कूल है। हाँ। दो बच्चे हैं। हाँ। और दोनों प्राइवेट स्कूल हम बस चलाते हैं। बस चलाते हैं। तो अभी जैसे आप रिटायर्ड हो गए हो फौज से, एक योजना के बारे में सुना होगा हमने, अग्निवीर योजना अभी नई आई है 4 साल के लिए, आपको योजना कैसी लगी? हाँ, ऐसा है साहब, ये बेरोजगारी की वजह से ये मतलब ठीक है। अच्छा। हाँ, जो आज क्या बोलते हैं 4 साल के लिए, इससे बेरोजगारी पे कंट्रोल होगी, थोड़ी कंट्रोल होगी, कंट्रोल होगी। हाँ। और फिर कहीं भी क्या बोलते हैं, लड़का आज कहीं जैसे कमाने जाता है तो इस 4 साल में साथ में 20 लाख रुपया नहीं कमा पाएगा। 12 लाख कमा पाएगा, 12 लाख मिलेंगे जब वो होगा, और उसमें 25% तो वहाँ रह जाएंगे भाई, इनके पास योग्यता होगी वो रहेंगे वहाँ। है ठीक है, तो वैसे भाई जो बेरोजगारी है उसके हिसाब से ठीक भी है। ठीक भी है। हाँ, तो आपको लग रहा है ठीक चल रहा है? हाँ। तुम्हारा मंत्रा यादव, क्या काम करते हो? कुछ नहीं, घर पर रहते हैं। पढ़ाई नहीं कर रहे हो? नहीं, बंद करते हैं। क्यों? ऐसे ही मन नहीं लगता? मन नहीं, भाई नहीं है, अब घर की समस्या भी देखनी पड़ेगी। अच्छा। नहीं है। कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? इंटर कर लिए। इंटर कर लिए। हाँ। तो MP पुलिस की जो भर्ती आई उसमें फॉर्म वगैरह डाला है? नहीं भरा अभी। क्यों? अग्निवीर योजना उसमें डाला है? हाँ, उसमें डाला था। उसमें डाला था। हाँ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? 8 में निकाल दिया, 8 पूरी थी फिर भी निकाल दिया 8 में। हाइट कम थी? नहीं, पूरी थी, निकाल दिया। निकल वहाँ पे ज़्यादा मांगने लगे, लेने लगे। अब ज़्यादा लेने लगे? नहीं, वैसे तो ले रहे उतनी, वहाँ पे बढ़ा दी गई है इसलिए ज़्यादा लेने लगे। 8 तो पूरी थी मेरी। आपके दोस्त वगैरह भी गए होंगे आप लोगों? हाँ, सब गए थे। तो मेरे से किसी का हुआ सिलेक्ट? सबको एक को लिया था, बाकी सबको निकाल दिया। अच्छा अच्छा, तो उन लोगों को जो दोस्त है तुम्हारा, उसका किस वजह से हो गया, आपका नहीं हुआ? उसका सब प्रॉपर चीज़ें थी? नहीं, प्रॉपर सब मेरी भी थी। नहीं, मेरे को 8 में निकाल दिया, वो मेरा बराबर है। हाइट कितनी है? हमारी 61 है। 61 है। और मांगते कितनी है? उसकी भी एक असर, उसको घुसे लिया, मेरे को निकाल दिया। अच्छा। हाँ, ऐसा भी हो रहा है? ऐसा भी हो रहा है, वहाँ सागर गए थे। अच्छा, MP पुलिस में नहीं फिर डाला तुमने? अभी नहीं डालेंगे। अच्छा, तो इसका आप दोबारा नहीं डालोगे? इसका आएगा, ये आर्मी वाला जो आएगा डालेंगे। अच्छा। हाँ, फिर भी हो सकता है कि हाइट की वजह से फिर ऐसा कर दिया जाए। अब देखो, जब जाएंगे तब पता चलेगा। बाबा कौन है आपके? बाबा जी? हाँ, दाऊ लगते हैं। दाऊ लगते हैं।
तो अभी हम यही चर्चा कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इसमें युवाओं की क्या सोच बन रही है? आप जैसे युवा हैं, कैसी सोच? आप फर्स्ट टाइम वोट डालोगे? वोट बन गया आपका? अभी नहीं बना, नहीं अभी। एज नहीं, कितनी एज है? तो 19 हो गई। 19 हो गई, हाँ। तो जैसे युवाओं के लिए सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है, एक सीखो योजना 8,000 रुपए दे रही है, 8,500 ऐसा कुछ प्लान, आपको पता चला है? नहीं, मेरे को भी पता नहीं है। अच्छा, ऐसे एक योजना शायद आ रही है, कह रहे चुनाव में ऐसी आएगी। हाँ। तो युवाओं में क्या है, शिवराज सरकार के प्रति माहौल कैसा है? ठीक है, माहौल शिवराज सही है। सही है, आपको लग रहा है दोबारा बन जाएगी सरकार? अब ये तो नहीं बता सकते, जनता कांग्रेस कांग्रेस की लग रही है, कांग्रेस जिस किसी की, वो जनता के ऊपर है। अच्छा, जनता जिसको चाहिए वो बनेगा। अच्छा, चलो। हाँ, राम महेश। क्या काम करते हो आप? किसानी। आप भी किसान हो? हाँ सर। सरसों क्या रेट बेच के? सरसों क्या बताऊँ सर, कोई रेट नहीं, 4500 रुपए क्या कोई रेट है कोई? अच्छा, कहाँ पार साल 6,000 रुपए गई, इन साल मान ले 4500 है ये। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था शुरू शुरू में जब अगर बेच लेते तो 6,000 इस बार भी। हाँ हाँ, बिक रही थी, लेकिन क्या करे, आदमी कह रहा था 6,000 तक जाएगी। हाँ जाएगी, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। अच्छा, घर पे खाना आपके सिलेंडर पे बनता है या पे चूल्हा? अरे सर, सिलेंडर है ही नहीं है, भराने लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से भरा ले, लकड़ी से बनाए रहे। अच्छा, तू ससुई तोई से बनाए रहे और क्या करे। अच्छा अच्छा, महंगी मतलब पहले दिया था 500 रुपया सिलेंडर, आप भरा 11 से घंटे लिया हमें। अच्छा, तो अभी लोगों में नाराजगी है ये सारी? नाराजगी दे रही सर सरकार के प्रति। हाँ, सरकार की तरफ चेंज हो सकता है? अरे माहौल का चेंज, बाबा फेंक दे तो का कर सकते। अच्छा, पिछली बार कांग्रेस की? अरे कांग्रेस ही बन भाई, बस ठीक है। हाँ। चेंज हो जाए या न हो जाए, वो तो वही हो गए तो फिर चुड़ाई ले करे वो तो। हम कई सारे किसानों से बात करके आए हैं, जैसे आप कह रहे हो ना समस्याएं, तो कई सारे किसान ये बात शिकायत कर रहे हैं कि ये जो महंगाई की वजह से ना और महंगाई का वाले सबके कार्ड बन गए भाई, हमें किसानी का पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा, खेती का एक पैसा नहीं मिला अभी तक, मान ले भाई खेती भाई नहीं चढ़ाओ। अच्छा अच्छा, मान ले नहीं कागज भेज दे नहीं कर। अच्छा, ये अभी तक कोई हमको नहीं मिला पैसा। ये जो लाडली बहन योजना में 1,000 रुपए मिल रहे हैं, आपके घर पे नहीं मिल रहे? घर पे मिलने लगे अभी, हाँ उनको मिलने लगे, लेकिन जो पिछले जो खेती बाड़ी पैसा अभी भी हमारे परिवार में किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या बैलेंस, मतलब बोले कोई कहता खेती ज्यादा है ये है वो। अब खेती तो भाई किसान है तो खेती तो हो ही। कांग्रेस ये बातें कर रही है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए खाते में देंगे, महिलाओं को बस फ्री होगी, 100 रुपए यूनिट बिजली। आपको लग रहा है लोगों में फर्क पड़ेगा इस चीज का? अरे भाई फर्क क्या करे, मान ले अभी तो चाहे को कह दे, अभी तो शिव को भाई बनाओ दे बात कर ली। अब तो शिव जी कह दे हमें ऐसा कर दे, हमें ऐसा कर दे, फिर तो हाल ढुला दे जाओ मेरे को नहीं पूछे। अच्छा नहीं, तो ये आपको लग रहा है बातें झूठे बातें कर रही है? झूठे बातें सब हैं झूठे। अच्छा, और तो बढ़िया भाजपा काम बढ़िया है। अरे बात काम का करे, अब काम तो जाए बढ़िया है, 500 सिलेंडर दाओ 1100 का दाओ, अब को भरा ले कांग्रेस कह तो रही हम 500 कर। हाँ, उसे को नहीं कर तो लोगों में फर्क नहीं पड़ेगा? अरे फर्क तो पड़ेगा सर, मान ले फर्क तो ही पड़े जो काम करें तो। अच्छा, हम कई सारे किसानों से भी जैसे मिल के आए हैं तो वो कह रहे थे जैसे कांग्रेस की सरकार आई थी तो किसानों का 1,00,000 रुपए भी माफ किया था पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार आई। हमारा एक पैसा नहीं किया। आपने लोन नहीं लिया था? लोन लिया न तो हमारा बिल। कब लिया था? अरे हर समय हमारा तो बैंक चलती है। अच्छा अच्छा, हम बैंक के मतलब खातेदार है, सब धंधा बैंक से ही। आपका माफ नहीं हुआ था? माफ एक भी 2018 में कभी भी हमारा माफ, हमारा मतलब हमारे पिताजी नाम से मतलब जो खाता लगा हुआ है अभी तक न तो बिल का माफ हुआ। अच्छा, 3-3 लाख रुपए मतलब होगा, लेकिन मान ले 1,00,000 रुपए तक माफ हुए थे? नहीं, एक पैसा हमारा माफ नहीं हुआ अभी तक। मतलब आपका नाम क्या? जयवीर यादव। क्या काम करते हो आप? किसानी को एक काम किसान है। क्या लग रहा है ये जो लोग बात कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है ये सारी चीजें, तो इसका चुनाव में फर्क पड़ेगा? चुनाव की मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, चुनाव तो वो अपने ऊपर है। अच्छा, तो शिवराज जी की सरकार बन जाए दोबारा? अरे वो तो उनके ऊपर है, अपने ऊपर नहीं। वोट नहीं डाला? वोट तो मैं डालूंगा। अपनी बताओ, दूसरों की मत बताओ। आप क्या चाह रहे हो वो बताओ। अपना तो वोट जाता है। तो नहीं, आप तो बिना सोचे समझे वोट डालते हो क्या? सोचे समझे का जो गांव करेगा वहां डाल देते। अच्छा, तो आपके गांव में क्या माहौल बन रहा है, गांव वाले क्या सोच रहे? बढ़िया चल रही भाजपा की सरकार? अभी तो बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। दिक्कत है, 1200 का सिलेंडर है उसमें दिक्कत है, रोटी सब्जी वही पे हो रही, चूल्हे पे रही। तो कोई दिक्कत मतलब बात से नाराजगी नहीं है क्या भाजपा? नाराजगी तो है, मजबूरी मेहनत करेंगे जबरदस्ती वोट डरवाता है वो कोई नहीं डरवाता है।
वो तो अपनी इच्छा है बना रहेंगे। अच्छा तो वही तो हम आपकी इच्छा पूछ रहे, क्या लग रहा है, क्या कोई कुछ वो है क्या यहाँ पे? कोई दबाव नहीं, किसी का दबाव नहीं है किसी पे, वो तो जहाँ डालना वहाँ डाले। अच्छा तो आपको लग रहा है लेकिन किसानों में और जो आम आदमी है उसमें नाराजगी है महंगाई को लेकर? महंगाई को लेकर तो नाराजगी है। अच्छा अच्छा, ये तो बात सही है। अच्छा फिर भी लेकिन खुलने में, मतलब खुल के बोलने में डरता है लोग? डरना तो है ही है, कोई परेशानी दिक्कत हो जाए तो सरकार द्वारा? कोई दिक्कत नहीं तो सब चलता है। क्या नाम है भाई आपका? उपेंद्र यादव। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, बेरोजगारी। बेरोजगार? पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई की थी। कहाँ तक की थी? 12th तक। 12th तक की थी। हाँ जी। अभी कितनी एज आप? अभी 30+ है। 30+ है। जॉब वैकेंसी वगैरह नहीं देखी? जॉब एजेंसी वो जॉब वगैरह देखी थी लेकिन नहीं मिल रही है, वैसे ही बेरोजगारी इतनी बड़ी। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, घर पे ही हैं, पापा के साथ में खेती में काम हाथ बटाते हैं। हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं जो चुनाव आ रहे हैं, इस बार क्या माहौल रहेगा उसका? आपको लग रहा है शिवराज सरकार पिछले 18 साल से लगभग, उससे लोग खुश हैं? हाँ बहुत से खुश हैं, लेकिन वो तो अपनी अपनी च्वाइस है। किसानों को वो अभी दे रही है भाजपा सरकार। अच्छा, क्या दे रही है? कि महिलाओं को अभी 1,000 रुपये लाडली बहन योजना में खरीद दिए हैं, और वैसे भी जो कुछ आती हैं वो दे रही है। अच्छा हाँ, और क्या दे रही है? और वैसे हमें तो इतनी जानकारी है नहीं, नहीं आपको क्या मिल रहा है वो बताओ, दूसरों को दे रही है, आप अपना बताओ आपको क्या क्या मिल रहा है? हमें तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है। लाडली बहन योजना में रुपए मिल रहे हैं आपको? हाँ, वो हमारी माता जी हैं उन्हें मिल रहा है। अच्छा अच्छा हाँ। तो भाजपा काम का ठीक लग रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, इस बार चेंज होने का संभावना लग रही है कुछ? चेंज तो पहले ही हो चुकी थी। हाँ। लेकिन अब कांग्रेस में इतने नेता ही नहीं है जो वो संभाल सकें सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे उधर? हाँ, वो चले गए थे तो गिर गई थी। अच्छा अच्छा हाँ, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की वापसी हो सकती है ना? बीजेपी की वापसी नहीं, कांग्रेस फिर वापसी करेगी। कांग्रेस? हाँ जी। अच्छा, अभी वही तो आप कह रहे हो? हाँ, माहौल कांग्रेस का ठीक है, पर ये है कि सिंधिया ने जाके वो सरकार गिरा दी थी, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन ही चुकी थी। अच्छा अच्छा हाँ जी। इस बार जैसे किसान कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा है, महंगाई और चीज़ों हाँ, सिलेंडर और ये सभी चीज़ों पर वो तो महंगाई है, और ये भी कह रहे हैं अगर कांग्रेस वालों ने ये कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये खाते में देंगे, ये तो कुछ नहीं होता है, ये तो सब कहने वाले अपने अपने मुद्दे हैं। अच्छा हाँ जी, लेकिन लोग बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, लोग बदलाव तो चाह रहे हैं क्योंकि 18 साल हो गई कंटिन्यूस। अच्छा, किसी को भी एक ही पद पर अगर बैठाए रहोगे तो वो फिर नहीं वैसा करता है जैसा करना चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ जी, इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं बन रहा है माहौल? बन रहा है बिल्कुल। अच्छा, और जैसे अभी खेती में आप क्या क्या करते हो? खेती में क्या, अभी बाजरा हो जाएगा। सरसों की थी? सरसों की थी। सरसों क्या रेट बिकी आपकी? सरसों की पापा ने बेची, अपन को तो इतनी जानकारी नहीं। अब आपको अंदाजा नहीं पूछा? नहीं आपने? नहीं, मैंने नहीं पूछा। 4,000 रुपये, 4,200 रुपये कुछ ऐसा? 4,500? हाँ, 4,500-4,600 लगभग यही कुछ गई थी। हाँ, किसानों में ये भी नाराजगी है कि सरसों इस बार बहुत सस्ती थी? हाँ, किसानों में ये भी नाराजगी है। अच्छा, 1500 की DAP बोरी लेके डालते हैं और सरसों 4,000, 4,500 रुपये चाहिए, सस्ती बिक रही है। हाँ,